तो अभी फिलहाल हम लोग स्टेशन पे चंडीगढ़ के और यहाँ से सीधा जा रहे हैं। कुलदीप भाई सीधा हम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग यहाँ से सीधे शिमला, यहाँ सीधा बाइक आ जाएंगे हम लोग शिमला। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and. अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर रेस्ट लेने के लिए। हम लोग रुके हुए हैं। 50 रुपए की एक कीवी मिल रही, वो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पड़ी हुई है कीवी। ये देखिए नीचे जमीनों में पड़ी, बैग दिखाता हूँ, ये सब जमीनों में कीवी पड़ी हुई है लाइन से। ये लगा है कीवी का पेड़, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जब मैं सुबह उठा हूँ तो बालकनी का व्यू सबसे ज़बरदस्त था, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर है बालकनी का व्यू। सो हेलो टू फैमिली, चलता लखनवी नवाब। तो बेसिकली आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ लखनऊ से शिमला। बैग वगैरह पैकिंग वगैरह मैंने कर ली है, अच्छी तरह से पैकिंग हो गई है और बस सीधा मैं यहाँ से जाऊँगा मेट्रो स्टेशन, लखनऊ मेट्रो स्टेशन आईटी मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से सीधा जाऊँगा चारबाग। और चारबाग के आगे क्या होता है मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला इसी ब्लॉग में। तो कुल मिला के ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। इसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ लखनऊ से शिमला तक का पूरा ट्रैवल। तो प्लीज़ ब्लॉग को अच्छी तरीके से देखें, और ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है? तो चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it. So, अभी मैं जा रहा हूँ लखनऊ के मेट्रो स्टेशन, और उससे पहले मैं दिखाई जाता हूँ, ये मेरे पड़ोसी अमर भी ये मुझे लेके जा रहा है मेट्रो स्टेशन। और यहाँ फिर पैसे देंगे 20 रुपए फ्री में छोड़ रहा है, मजाक कर रहा है। तो ठीक है, अभी यहाँ से जाते सीधा चार सीधा जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, फिर मिलते हैं आपसे, आगे दिखाते हैं आपको, ठीक है? Broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So, hello everyone, so basically abhi main aaya hu Chandigarh ke railway station and mera luggage wagera rakha hua hai, shayad hum log ko taxi wagera ya auto wagera mil chuki hai, to rent pe kar rahe hain yahan pe car, aur uske baad seedha ja rahe hain wahan par शिमला के लिए। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है? तो कुलदीप भाई सीधा हम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग यहाँ से सीधे शिमला, यहाँ सीधा बाइक आ जाएंगे हम लोग शिमला। तो बेसिकली अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर सीधा चंडीगढ़ से आए यहाँ पर शिमला साइड, शिमला हम लोग जा रहे हैं, और ये हम लोग की कार खड़ी है, इसमें लगेज वगैरह सब बंधा हुआ है। और मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेने के लिए हम लोग रुके हुए हैं, और इससे मैं आपको वन बाई वन मिलाता हूँ। ये है अपने साहब भाई, और कुछ बोलना चाहेंगे? आई एम साहब, ये साहब भाई है, और ये है अपने मेहताब भाई। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, और ये अपने नामेंद्र भाई, और ये हमने मयंक भाई, इनको उल्टी आ गई थी, उल्टी की वजह से कुलदीप उल्टी की वजह से हम लोग रुकना पड़ा यहाँ पर, और अब इनको सीधी हो रही है। हाँ, तो अभी ये सीधी होने के लिए हम लोगों ने इनको रोका है, और ये अपने मयंक भाई, और बढ़िया इंसान हम लोग, एक पर्सन आसिफ भाई। भाई क्या सीन है आगे, कुछ बताइए, आपने कहा था कुछ आप बोलेंगे, ये रात में बनाएंगे अभी तो बस निकल रहे हैं, उसके बाद वहाँ चल के सीन देखा जाएगा, वहाँ जाके सीन देखा जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल सब लोग यहाँ पर ऑर्डर वगैरह कर रहे हैं, तब तक मैंने सोचा आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या कैसा एटमोसफेयर है। और बस मैं तो टी शर्ट पहन के आया था, और उसके बाद से सर्दी स्टार्ट हो गई, मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ कितना अच्छा एटमोसफेयर यहाँ का। हम लोग जो है रुके हुए हैं यहाँ पर, हम लोग की कार खड़ी है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, और यहाँ पर जैसे ओस नहीं गिरती, कोहरा टाइप का यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अभी तो अंदर से भी आपको दिखाता हूँ अंदर का क्या सीन है। बैठने का कुछ ऐसा है, ये टेबल वगैरह पड़ी हुई है, ये टेबल वगैरह पड़ी हुई है, अंदर का सीन कुछ ऐसा है। और उसके जब साइड से अगर देखेंगे तो आपको हर तरफ पहाड़ नजर आएंगे। फिलहाल स्नैक्स वगैरह होगा, नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लिया है, तो हम लोग सीधा यहाँ से निकल रहे हैं सीधा फिर शिमला के लिए। बाकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि मतलब आप लोग लखनऊ से कहाँ पर आएँ, और कहाँ से मतलब कितने किलोमीटर से क्या, से कहाँ से क्या करना है, और कितना क्या रेंट वगैरह पड़ता है, मैं एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसके साथ बने रहें,
फिलहाल रूम पे जैसे मैं पहुंचूंगा तब आपको बताऊंगा। आप अगर आप आना चाह रहे हैं तो कैसे कम से कम में यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर बैठने, और यहाँ से सीधा फिर निकल रहे हैं यहाँ से शिमला, और यहाँ से अभी भी 2 घंटे का रास्ता है, तो ठीक है। तो चलिए इसी तरह से बने रहें। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. So good morning, LAUD family. तो बेसिकली अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ रात में, बेसिकली हम लोग आ गए थे, हमारे मेरे साथ है आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, और सब लोग वालेकुम सलाम बोल दिए कमेंट में लिख दिएगा। और हम लोग यहाँ पर इनके फ्रेंड हैं, क्या नाम, विजय सिंह, रंग विजय सिंह, जो जिनके रूम पे हम लोग यहाँ रुके हैं। हम लोग न्यू शिमला आए, और वहाँ चंडीगढ़ से हम लोगों ने सीधा यहाँ पर किया, चंडीगढ़ से सबसे पहले लखनऊ से चंडीगढ़ स्टेशन आए, और वहाँ से हम लोगों ने कार करी। हम लोग 4.5-5 घंटे लगे आने में, 4.5-5 घंटे लगे चंडीगढ़ से न्यू शिमला आने में, ठीक है। हम लोग तो न्यू शिमला आए, लेकिन अगर आप लोग को रूम वगैरह से, क्योंकि यहाँ पर इनके दोस्त का घर था यहाँ पर, तो हम लोग रूम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आप लोग को रूम वगैरह चाहिए। अभी इन लोग से एक चीज़ और दिखा दें यहाँ पर, तो सबसे बेस्ट जो लखनऊ में ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है आज का प्लेटलेट्स, और जिस हिसाब से डेंगू वगैरह चल रहा है, और इस टाइम सबको सबसे ज्यादा यूज करना पड़ा कीवी, सबसे ज्यादा यूज करना पड़ा कीवी। और मैं यहाँ पर कीवी का पेड़ मैं दिखाता हूँ, आप ये देखिए, ये लगा है कीवी का पेड़, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जो लखनऊ 50 रुपए की एक कीवी मिल रही है वो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पड़ी हुई है कीवी, ये देखिए नीचे जमीनों में पड़ी, बैग दिखाता हूँ, ये सब जमीनों में कीवी पड़ी हुई है लाइन से। तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पर इनके दोस्त के रूम पर आए, जो है न्यू शिमला में, और इसको क्या बोलते हैं, न्यू शिमला ही बोलते हैं, न्यू शिमला सेक्टर थ्री है, जिसमें हम लोग का ये ब्लॉक था, मैं दिखा, ठीक है, ब्लॉक नंबर 29A, ठीक है। बट अगर आप लोग को रूम वगैरह चाहिए तो आसिफ भाई क्या करना होगा, कहाँ पर ज़्यादा रूम मिलते हैं, सबसे बेस्ट रूम लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा शिमला बस स्टैंड मॉल रोड पे आपको आना पड़ेगा, तो वहाँ पर रूम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये हैं इनके फ्रेंड, नाम बता दीजिए, रंग विजय भाई हैं, तो इनके रूम पे हम लोग अभी, मैं रूम वगैरह भी दिखाता हूँ। तो अभी कहाँ जा रहे हैं, अंडा लेने जा रहे हैं, ये अपने मेहताब भाई, इनसे मैं मिलवा चुका हूँ आपको, मेहताब भाई भी जा रहे हैं अंडा लेने के लिए, हैं अंडा लेने जा रहे हैं, अरे भाई बहुत भूखा है, अरे भूखे नहीं है, नाश्ता सब लोग करने जा रहे हैं, अभी किसी नाश्ता नहीं किया है, कपड़े से लेके जीना साफ किया, नाश्ता, चलिए भाई अंडे लेके आइए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। तो अभी आपको दिखाते हैं रूम वगैरह, आसिफ भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आप अंडे लेने जा रहे हैं, मैं ब्रेड लेने आ रहा हूं, मैं ब्रेड ले, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का रूम वगैरह, जो अभी हम लोग, मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ, और आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ से पहाड़ी इलाके में जो घर वगैरह होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं, बस देखिए जरा सा डिफरेंस है, ये कार खड़ी हुई है और ये मैं स्टेज चढ़ के आया और यहीं पर बैठा हूँ, इधर राइट साइड पर देखिए पूरा गड्ढा टाइप का बना हुआ है, पूरा खाई टाइप का, और यहाँ अपने पेड़ वगैरह का व्यू है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ रूम वगैरह, तो कीवी के पेड़ जो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ से दिख रहा है, और ये डोर है जहाँ से एंट्री करी है उन्होंने, एक रूम ये था हम लोग का, ये टीवी लगा हुआ है, वाईफाई भी मुझे देखने को मिल गया यहाँ पर, मेरे लिए सबसे जो यूज़फुल चीज़ रहा है वो वाईफाई रहा है, अभी यहाँ से अपलोडिंग मैं कर रहा हूँ। और ये अपने भाई, इनसे आप मिल चुके होंगे, ये चाय बना रहे हैं भाई, लिए चाय बनी नहीं बनी तो एक ये था, और एक रूम ये था जहाँ पे मैं रुका था, और ये सामने वाली विंडो देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग, ऐसी होती शीशे का थोड़ा गंदा है, अभी दिखाया था मैंने आपको, और ये पास में है ये वॉशरूम, वॉशरूम के साइड में एक और रूम है जहाँ अभी साहबी भाई जो है कुछ चेंज वगैरह कर रहे हैं, और एक जो है ये बेड थी यहाँ पर सब लोग रुके थे, और उसका ये अलग था, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी। तो बॉयज आप जानते हैं कैसे रहते हैं, मतलब ये मेहताब भाई आ गए अंडे ले गए वापस, जब मैं सुबह उठा हूँ तो बालकनी का व्यू सबसे ज़बरदस्त था, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर है बालकनी का व्यू। कुल मिला के अभी का सीन ये है कि अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, रात में आ गया था, और थोड़ा सा सीन ये था कि जो है अंधेरा ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी। एंड एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जिसके जो थोड़ा ज़रूरी भी है, और लोगों के लिए जो लोग शिमला वगैरह आते हैं विजिट करते हैं, वो ये कि हम लोग जब यहाँ पर आए थे, हम लोग ने चंडीगढ़ से, मैं था भाई तकरीबन हम लोग ने वहाँ से बुक चंडीगढ़ से बुक करी थी, जहाँ हम लोग को एक बंदा मिला था रेलवे स्टेशन के पास, तो उसने ये बोला था कि आप लोग को चंडीगढ़ से शिमला तक के, न्यू शिमला तक के, पहले उन्होंने बोला कि इनोवा गाड़ी देंगे, फिर उन्होंने उसके बदले हम लोग को दे दी टवेरा,
ठीक है, लोगों ने फिर जब आपत्ति जताई तो उन्होंने ने आधे का एक घंटा लगेगा, मैंने शादी तो आपने बात करी है। हाँ, एंड उन लोग ने जो है वहाँ पर हम लोग से इनोवा लाने को बोली थी कि आप लोग को इनोवा प्रोवाइड कराई जाएगी, और फिर उसके बाद हम लोग ने जब वेट किया आधा घंटा, उसके बाद उन्होंने टवेरा ला के दी। फिर जो है बोलने के बाद सारी बातें हो जाने के बावजूद, और जो हम लोग ने फिर अमाउंट एक हम लोग का फिक्स हुआ था कि 3000 पे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से हम लोग को छोड़ेंगे वो न्यू शिमला, तो 3000 में लोग की बात हो गई। उन्होंने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से छोड़ने की बात नहीं करी थी, उन्होंने ट्रेवल्स वाले के वहाँ लेके गए, ट्रेवल वाले के जगह से ही जो है मतलब वहाँ पे शिमला स्टेशन, न्यू शिमला जहाँ हमारी डेस्टिनेशन थी, हमें जाना था वहाँ छोड़ने की बात हुई थी। वहाँ पर जैसे हम लोग स्टेशन पे उतरे वहाँ पर एक बंदा मिला था हम लोग को, बहुत सारे टैक्सी वाले मिलते हैं। वहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग शिमला पहुंचे तो मिसकम्युनिकेशन हुई ड्राइवर और हमारे बीच में। ड्राइवर ने कहा कि जो है सर आपको 3500 बोलेगा, तो मतलब इस तरह की दिक्कत हो सकती है। आप कभी आए तो डायरेक्ट और फाइनल बात करें, वो फाइनल गाड़ी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट के जो है जिस डेस्टिनेशन की आप बात करें वो बार बार कन्फर्म कर लें ड्राइवर से भी, और जहाँ जिसके एजेंसी के थ्रू आप बुक कर रहे हैं स्किल को आप अपने स्ट्रॉन्ग करें वहाँ पे। हाँ, ये लिखें कि आप जहाँ जा रहे हैं। हाँ, जब आपको रसीद दी जाए तो आप उस पर लिखवा लीजिए, स्लिप दी जाए उस पर लिखवा लीजिए कि कहाँ पे हमें जाना है, क्योंकि उस बंदे ने आधे रास्ते मतलब 60% रास्ता कंप्लीट किया। उसके करने के बाद वो हम लोग से बोला कि जो एजेंसी थी जिसके थ्रू उस ड्राइवर को भेजा गया, उसने बोला कि मुझे इतने से इतना पेमेंट दिया गया था, मेरी वहां जाने की बात नहीं हुई थी, बल्कि हम लोग की वहां से पूरा एकदम फाइनल बात हो गई थी कि हम लोग को न्यू शिमला ही जाना है। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा फिर भाई इसका आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे, मतलब सारी फाइनल बात होने के बावजूद। कोई नहीं है, शिमला अच्छी जगह है, बाकी लोग भी ठीक है, बट ये है कि आप अगर कोई अमाउंट या फाइनेंशियली टर्म में कुछ भी ले रहे हैं तो एक बार वो फाइनल करके ले कि हाँ हमें यही चाहिए। क्योंकि हर जगह होती है, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह बुरे लोग भी होते हैं, बस थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए हमने सोचा। बुरा और अच्छे की बात बिल्कुल भी नहीं है, इतनी सी बात है कि आपने कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखे और वही का डेस्टिनेशन पूछे जहाँ आपको जाना है। यदि आपको अपना डेस्टिनेशन मालूम है तो आप कन्फर्म जाएं और सेम जगह पे सेम जगह से जहाँ से निकले वहाँ तक ही जाने की बात करें और पैसा कन्फर्म करें पैसा कन्फर्म कर लें, और जिस जगह जा रहे हैं वो जगह भी बार बार कन्फर्म करें कि हम लोग को इसी जगह पर जाना है, ठीक है। और कोई भी कोशिश करें कि एडवांस पेमेंट ना करें, पहुंचने के बाद ही करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एडवांस पेमेंट अगर हाफ करते हैं तो हाफ वगैरह कर देगा, लेकिन फुल पेमेंट वगैरह फुल पेमेंट नहीं करना चाहिए। ये भी थोड़ी सी हम लोग की लापरवाही रही थी थोड़ी सी। तो बेसिकली यहाँ का लखनऊ से शिमला का ट्रिप यहाँ पर, न्यू शिमला का ट्रिप यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके बाद मैं जहाँ पर भी जाऊँगा, जहाँ पर विजिट करूँगा, आप लोग को इसके वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग मुझे देख सकते हैं, और आगे कंटिन्यू मैं व्लॉग रखूँगा, बट पार्ट में रखूँगा, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे इसके अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।